हेलो हेलो संदीप जी, हेलो ललिता जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मैं सुन पा रही हूँ संदीप जी। और इसमें ना क्लियर नहीं आ रही है फोटो। एक्सेल शीट जो आपने आपने ओपन करी है उसमें मतलब क्लियरेंस नहीं है। मैम, आपका इंटरनेट स्लो हो चुका है। आपने कोई इंटरनेट का और एप्लीकेशन खोल रखा है, उसको बंद कर दीजिए। इंटरनेट का एप्लीकेशन खोल रखा है मैंने। हाँ, कोई इंटरनेट स्लो नहीं कर रहा। आज पहला दिन है तो आज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपना बैकएंड में पैचेस डाउनलोड करेगा तो आज प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। इस क्लास की मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में, तो आप वहां पे कवर कर सकते हैं। जो चीज समझ में नहीं आई वहां से कवर कर सकते हैं। तो ठीक हम भी है बता रहे थे, क्वेश्चन ये उठता है कि हम लिमिट्स को क्यों सीखे, क्या जरूरत है लिमिट जानने की, रट्टा मारने की जरूरत क्या है? हम कोई पेपर देने तो नहीं जा रहे, कोई जीके क्वेश्चन तो नहीं निकल के आएंगे इसमें से। देखिए, अगर आप सिर्फ एक्सेल यूज करते हो तो इसको जानने की जरूरत राइट। बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब आप वीबीए मैक्रो यूज करोगे तो इसको जानना पड़ेगा, क्योंकि वीबीए मैक्रो में वीबी सबसे फ्यूचर। माइक्रो हाँ, मैक्रो जब प्रोग्रामिंग हम करेंगे तो प्रोग्रामिंग में हमें राइट। इसकी जरूरत जानने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ओके हमें अगर कॉलम बड़ा करना है तो हम इसको सीधे बड़ा कर देंगे, लेकिन यही चीज को हम अगर राइट। प्रोग्रामिंग के जरिए लिखेंगे तो मुझे लिखना पड़ेगा कॉलम विड्थ रेंज BYV डॉट कॉलम विड्थ इक्वल टू एक पार्टिकुलर नंबर 10, 20, 50, 60, 70। अगर मुझे इन फ्यूचर में कभी एक बहुत बड़ा कॉलम चाहिए, हमने 500 डाल दिया, अगर 500 इसके लिमिट से ज्यादा हुआ तो आपको एरर देगा। अगर बीवी मैक्रो में मैक्रो प्रोग्रामिंग एक कोड भी एरर दे दिया तो पूरी कोड को चलने नहीं देगा फिर वो। तो वहां पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एरर क्यों आ रहा है। तो अगर आप लिमिट्स के बारे में जानते होंगे तो पकड़ लोगे कि भाई यहां पे 500 नहीं जाना चाहिए, इसकी लिमिट यहीं तक है। उसी तरीके से एक सेल के अंदर हम फॉर्मूला टाइप करते हैं, जैसे कि हमने यहां पे टाइप किया, यहां पे 2 पर। तो अभी आपको सेल का कंटेंट एक है, लेकिन फॉर्मूला कितने डालो, कितने लीटर का है? 3 × 2 = 5 लीटर का है। तो ऐसे हम 32, 5 लीटर हाँ का 32,000 तक का ही डाल सकते हैं, 32,700 समथिंग डाल सकते हैं। अब कभी कभी क्या होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखते हैं हम, लिखते जाते हैं और फॉर्मूला हमारा सही काम कर रहा है, फॉर्मूला सही है, फिर भी रिजल्ट में एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिमिट से क्रॉस हो जाती है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए हमें लिमिट से जानने की जरूरत है। और दूसरी चीज, जो चीज हम सीख रहे हैं उसकी लिमिट जानना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी लिमिट मिलेगी कहां पे? क्या इसके लिए मुझे कोई बुक परचेज करना पड़ेगा या फिर किसी साइट पे जाके देखना पड़ेगा? मेरे हिसाब से एक्सेल का सबसे अच्छा गुरु खुद एक्सेल है। एक्सेल सबसे अच्छा सिखा आपको एक्सेल सकता है। एक्सेल के अंदर हर चीज अवेलेबल है। अब मुझे लिमिट्स के बारे में जानना है तो मैं अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस करूंगा, इसमें सर्च करूंगा LIMITS लिमिट्स और फिर एंटर मार दूंगा। इसमें आपका आ रहा है कीबोर्ड एक्सेल, का LIMIT। हाँ लिमिट्स, लिमिट्स लिमिट्स टाइप करेंगे और सर्च पे क्लिक कर दीजिए या एंटर प्रेस कर दीजिए, कीबोर्ड का एंटर प्रेस कर दीजिए। सबसे पहला ऑप्शन आपका आ रहा है एक्सेल स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स, उस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपके सारे फीचर्स और इसके मैक्सिमम लिमिट आ गए और ये 100% सही है, इसमें कोई गलती की चांसेस नहीं है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो कोई चीजें एक्सेल के बारे में, यानी लोग यही करते हैं कि गूगल पे जाते हैं और वहां से सर्च करते हैं, गूगल पे जाते हैं वहां से सर्च करते हैं, वहां से चीजें लेके आते हैं। लेकिन यहां पे एक्सेल जो चीजें, वहां गूगल पे जो चीजें मिलती है वो 100% सही नहीं होती है, वो गलत हो सकता है और गलत होते हैं, क्योंकि वहां पे हम जैसे आप जैसे लोग ही डालते हैं। इसलिए जो एक्सेल में चीजें होती है, जो एक्सेल हेल्प में मिलती है, वो सही की चीजें हैं, आपको सही तरीके से समझाई जाएगी। क्लियर है? तो अब इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप पढ़ लो। जैसे कि यहां पे है कि ओपन वर्कबुक, कि एक बार में आप कितने फाइल खोल सकते हो, वन फाइल खुली है ना, ऐसे कितने फाइल को वन टाइम में खोल सकते हो?
लिमिट कर रहा है लिमिटेड अवेलेबल बाय मेमोरी सिस्टम रिसोर्सेज। बहुत सारे लोग इसको अनलिमिटेड बोल देते हैं, जैसा मेरा ज्ञान कहता है कि कंप्यूटर में कोई अनलिमिटेड वर्ड नहीं होता है। क्यों? कि कंप्यूटर हर कुछ भी करने के लिए अपने मेमोरी में एक स्पेस कैप्चर करता है, एक स्पेस को कैप्चर करता है। कुछ भी टाइप करते हो कभी ना कभी तो स्पेस भरेगा ही ना। जैसे एक फाइल क्रिएट हुआ तो 2 KB का साइज कैप्चर किया मेमोरी में, हम फाइल इंसर्ट करते जाएंगे इंसर्ट करते जाएंगे, कभी ना कभी सिस्टम तो हैंग होके बंद हो जाएगा या फिर बता देगा कि लिमिट नहीं है। तो यहां पे लिमिटेड वर्ड करना सही नहीं है, कि हम लिमिटेड नहीं कर सकते, कि अनलिमिटेड नहीं कर सकते, बोल सकते कि लिमिट इज नॉट डिफाइंड, डिपेंड ऑन सिस्टम कैपेसिटी। उसी तरीके से आप कितने शीट्स यहां पे कितने शीट्स क्रिएट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट 3 मिलते हैं या 5 मिलते हैं या 10 मिलते हैं, उसमें आप कितने लिमिट इंसर्ट कर सकते हो उसके भी कोई लिमिट डिफाइन नहीं है, सिस्टम के हिसाब से जितना मर्जी उतना ऐड कर लो, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास लिमिट्स है, इस लिमिट को आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो इस लिमिट को अपने हिसाब से स्टडी कर लो, रट्टा मारने की जरूरत आपको नहीं है कि आप इसको रट्टा मारो। जयप्रकाश जी, ये एक्सेल की क्लास है, हम आपको डेमो सॉफ्टवेयर का डेमो दे रहे हैं, आपको बताएंगे किस तरीके से एक्सेल पे क्लास हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं। आपको टैली सीखना है तो टैली के लिए कोई और टाइम मिलेगा, फिलहाल आप एक्सेल की क्लास चल रही है तो आप ये वॉच कीजिए कि ऑनलाइन क्लास किस तरीके से होती है। और जयप्रकाश जी, आपको मैंने म्यूट कर दिया, आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, अगर आपको कुछ पूछना होगा तो चैट है, चैट पे पूछ लीजिएगा। तो हम लिमिट्स के बारे में जान गए, बस लिमिट्स को एक बार केजुअली पढ़ लीजिए, ऑन क्लियर, लिमिट्स को आप एक बार केजुअली पढ़ लीजिएगा। लिमिट कहां से निकलता है सिस्टम में, F1 प्रेस करने के बाद लिमिट्स लिखिए और सर्च क्लिक कर दीजिए, सबसे पहला ऑप्शन आएगा यहां पे, इसके लिमिट्स है, तो इसको एक बार केजुअली जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूरी है चीज। उसके बाद बात आती है किसी भी ऑप्शंस के बारे में मुझे जानना होगा तो क्या हर बार मुझे F1 ही प्रेस करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। आप इस पर कर्सर ले जाओगे तो इसके नीचे आपका इसका डिटेल्स आ जाएगा, शॉर्ट डिटेल्स आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद अगर आपने क्लिक किया और डिटेल्स आपके आ गए, फिर आप F1 प्रेस करोगे तो आपका वही चीज का ऑप्शन दिखाएगा यहां पर। जैसे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया था तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही यहां पे हमने हेल्प दिखाया। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करने को, गूगल पे सर्च करने से पहले सबसे पहले आप यहां पे सर्च करने की कोशिश करो, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम शॉर्टकट्स के बारे में। शॉर्टकट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? हर कोई का तमन्ना होता है कि शॉर्टकट सारी याद हो, मैं अपने पूरी कीबोर्ड पे माउस को बिना यूज किए ही पूरे कीबोर्ड से ही काम करें। किसी को आप देखते होंगे कीबोर्ड पे खड़ा खट काम करता है। देखिए, शॉर्टकट के जरिए आप अगर काम करते हो तो आपका माउस के प्रति 30% तक का स्पीड बढ़ सकता है और एक्यूरेसी बढ़ सकता है। अगर आप कीबोर्ड से काम करते हो तो सब जाने कि आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, कीबोर्ड पे स्पीड पढ़ने से नहीं आती है, प्रैक्टिस करने से आती है, एक्सेल को यूज करने से आता है, ठीक है। तो ऑफिस लाइफ में आप मोस्टली कीबोर्ड से ही काम करना पसंद करते हैं और करना चाहिए। सबसे पहले बात आती है कीबोर्ड, अगर मैं किसी ऑप्शन के बारे में कीबोर्ड के बारे में जानना है तो कैसे जानेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो उसके लिए जिस ऑप्शन के बारे में जानना है उस पर कर्सर लेके जाइए, आपको वहां पर शॉर्टकट दी जाएगा, जैसे Ctrl+V इसका शॉर्टकट है। फिल्टर का दिल्ली देखना है तो फिल्टर का क्या है हमारा, Ctrl+Shift+L। अब यहां प्रॉब्लम आता है कि जैसे मुझे लिमिट का लिस्ट निकल के आया ऐसे मुझे इसका भी लिस्ट नहीं मिल जाए तो सही रहेगा, तो इसके लिए भी आप F1 प्रेस कीजिए और यहां पे शॉर्टकट सर्च कर लीजिए। यहां पे आपको फोर्थ नंबर ऑप्शन आएगा, एक्सेल शॉर्टकट्स एंड फंक्शंस की,
यहाँ पे सारे की एंड उनके शॉर्टकट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब इसको रट्टा मारने से याद नहीं होगा, संस्कृत की श्लोक की तरह इसको रट्टा मार लोगे तो फिर फायदा नहीं है इससे। शॉर्टकट कमांड ऐसी होनी चाहिए ना, जैसे आपको कंट्रोल सी करने के लिए दिमाग में सोचना पड़ता है, कंट्रोल सी करना है, हाथ अपने आप कंट्रोल सी पे चला जाता है। एंटर मारने के लिए भी आप अपने आप हाथ एंटर पे चला जाता है, दिमाग सोचता है कि भाई मुझे एंटर मारना है, एंटर कहाँ है, यहाँ ऐसे यहाँ मारना है, नहीं सोचता ना। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि आपने इतना टाइम यूज किया है कि हैबिट हो गई है। जैसे हम घर का रास्ता नहीं भूलते कभी, हम किसी से बात कर रहे हैं और रास्ता नहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा अपने आप मेरा पैर लेके चला जाता है घर पे, ऐसा होता है। तो उसी तरीके से आपका दिमाग कब सेट होगा इस पे? जब आप इसको काफी यूज करोगे। काफी यूज करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, और फिर टाइम कैसे दोगे, और फिर काम होता है। तो मैं बच्चों को सलाह देता हूं कि आपके ऑफिस में कुछ ऐसे टाइम होंगे जहां पे काम कम होगा, काम होगा भी तो उसका डेडलाइन नहीं होगा कि आपको 2 बजे तक भेजना है, आपको शाम को 5 बजे तक भेजना है, या फिर आज ही भेजना है। उस समय क्या करो, माउस को बिल्कुल यूज मत करो, चाहे 10 मिनट काम आधे घंटे में हो, पूरा काम आप कीबोर्ड के जरिए करो। और धीरे धीरे 2 घंटा आपका महीने 2 महीने में आपका पूरा दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, पूरा दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको महीने 2 महीने का टाइम देना पड़ेगा, इतना जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। तो कीबोर्ड को यूज करने के लिए आप एक रूटीन बनाओ कि अपने ऑफिस लाइफ में घंटे 2 घंटे आप बिल्कुल माउस का यूज नहीं करोगे, पूरा काम कीबोर्ड से करोगे। हालांकि मुझे कीबोर्ड से काम किया है बहुत दिन हो गया है, क्योंकि मैं कीबोर्ड यूज करूंगा तो बच्चे बोलते हैं सर कि आपने क्या किया, माउस से पता चलता है कि भाई इंसर्ट में जाके पीछे क्लिक करने है तो पता चलता है भाई यहाँ पे ऑप्शन इसको अप्लाई करना है, ठीक है। अब आपको मैंने सलाह तो दे दिया कि आप कीबोर्ड से काम करो, लेकिन प्रॉब्लम आपके पास आएगी, क्योंकि हर चीज करने के लिए कीबोर्ड नहीं है, कीबोर्ड का शॉर्टकट नहीं है कि हर ऑप्शन कीबोर्ड से अप्लाई कर दो आप। तो हमारे पास मतलब अगर मुझे ए है हमारा, अगर मुझे हमें ए अप्लाई करना, कलर अप्लाई करना हुआ, बॉर्डर अप्लाई करना हुआ, तो इसके लिए तो मुझे माउस यूज करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट शॉर्टकट तो नहीं है। हाँ, तो उसके लिए अल्टरनेटिव की है कि ऑल्ट की प्रेस करते ही आपके होम मेन्यू पूरा एक्टिवेट हो जाता है। ऑल्ट की प्रेस की आपने देखा कि पूरा होम, इंसर्ट, पेज, फॉर्मूला सारे एक्टिवेट हो गए, इसके सामने एक लेटर बन के आ गया, NPMARWL, ये शॉर्टकट्स। होम के लिए मैं एज दबाऊंगा, फिर कलर अप्लाई करना है, फिर एज दबाऊंगा, कलर सेलेक्ट करूंगा, एंटर मार दूंगा। मैं दिमाग में सेट हो गया कि मुझे कलर करना है, तो होम Alt HH कलर सेलेक्ट करो, इसका यूज करो। सेम बॉर्डर अप्लाई करना है तो Alt H से होम में गया, क्योंकि होम के सामने H है, बॉर्डर के लिए B है। अब इसमें कौन सा बॉर्डर चाहिए, ए चाहिए, मतलब कि अल्ट एच फॉर होम, बी फॉर बॉर्डर, ए फॉर और बॉर्डर। दिमाग में सेट हो गया हमारा, नेक्स्ट टाइम हमारा स्पीडली काम होगा। नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, अल्ट एच बी ए, अपना अप्लाई हो जाएगा। तो हर चीज को आप अल्ट की के साथ अपना यूज कर सकते हो। कीबोर्ड शॉर्टकट याद करने की भी जरूरत नहीं, सामने दिखेगा पूरा, आपको पूरा काम कर सकते हो आप। बहुत सारे लोग तो डायरेक्ट शॉर्टकट यूज भी नहीं करते हैं, इसी से यूज करते हैं। कंट्रोल सी के लिए कंट्रोल सी करने के जगह पे अल्ट एच सी करते हैं, ठीक है। फाइल ओपनिंग करने के लिए कंट्रोल ओ के जगह करते हैं अल्ट एफ ओ, अल्ट एफ ओ, याद करने की जरूरत ही नहीं, सामने दिखता है, इसका यूज कर सकते हो। अगर आपको राइट क्लिक करना हुआ तो आपके कीबोर्ड में राइट क्लिक का ऑप्शन होता है, कहां पे होता है, एंटर के नीचे, शिफ्ट, शिफ्ट के नीचे होता है, मैं दिखाता हूं आपको, पता है कि राइट क्लिक कहां पे होता है, मैं आपको पता है, यहां होता है,
ये आपका राइट क्लिक है। हाँ, ये जो आता है यहां पे आपका राइट क्लिक होता है जहां पे एरो का निशान बना होता है। ठीक है, तो जब राइट क्लिक आप करते हो तो मुझे एक चीज इसमें कॉमन लग रही है, क्या है बताइए। हर ऑप्शन में एक चीज कॉमन है, किसी न किसी लेटर के नीचे अंडरलाइन है, जो अंडरलाइन है वो शॉर्टकट है। ठीक है ना, जैसे कट में टी है, कॉपी में सी है, पेस्ट में पी है। अगर मुझे अगर मान लीजिए फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट सेल जो नीचे यहां पे दिख रहा है इस पे क्लिक करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड का जस्ट एफ दबा दूंगा, एफ दबाते आपको यहां पे फॉर्मेट सेल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप टैब, अगर टैब प्रेस करोगे तो इसके अंदर चले जाओगे, टैब और एरो से इसका यूज यहां पे यूज कर सकते हो। लेकिन मुझे अलाइनमेंट में जाना है तो क्या करोगे, कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब से यहां पे चले जाओ। ये सेम चीज आपको मोजिला और इंटरनेट वगैरह पे यूज होता है। अब मुझे यहां से नेक्स्ट किया, मैंने नेक्स्ट किया तो कंट्रोल टैब से यहां पे जा सकते हो आप। चेक बॉक्स पे क्लिक करना है तो स्पेस बार दबा सकते हो, या फिर उसके नीचे जो ये है अंडरलाइन है, जैसे मर्ज पे क्लिक करना है तो मर्ज के नीचे जो अंडरलाइन क्या है, एम है, एम प्रेस करो तो हो जाएगा। सेम तरह से कंट्रोल टैब, अब मैं बॉर्डर पे हूं, मुझे वापस अलाइनमेंट में आना है तो कंट्रोल टैब से मैं आगे जाते हैं, मुझे रिवर्स आना है तो शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है। कहीं भी जैसे ए दबाते हो स्मॉल, शिफ्ट के साथ कैपिटल हो जाता है, तो शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है। तो कंट्रोल टैब की जगह कंट्रोल शिफ्ट टैब, तो रिवर्स हो गए। कंट्रोल टैब से आगे जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट से हम रिवर्स आएंगे। ठीक है, कंट्रोल से आगे जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट से रिवर्स आएंगे। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो इसका यूज हम करते हैं। अब इमेजिन कीजिए आप कि आप एरो की को मूव करने के लिए आप यूज करते हो, एरो की जो कर्सर को मूव करने के लिए, अगर आपका किसी कारण बस एरो की खराब हो जाता है तो कैसे यूज करोगे कीवर्ड्स? तो अगर बस दो है, टैब से आगे जाओगे और इससे एंटर से नीचे, और शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है, तो शिफ्ट के साथ दबाओगे तो ऊपर चला जाएगा, टैब के साथ आगे चला जाएगा, फिर शिफ्ट टैब के साथ पीछे आ जाएगा। तो आपको आगे शिफ्ट टैब, पीछे एंटर, शिफ्ट टैब ऊपर। ठीक है, इसका यूज कर सकते हो। अगर आपका कीबोर्ड ही खराब हो गया तो क्या करोगे, माउस से कैसे काम करोगे? माउस नहीं है तो कीबोर्ड से काम कर लिया आपने, अगर कीबोर्ड नहीं है तो कैसे काम करोगे? कीबोर्ड मान लो ऑफिस में गए, आपका कीबोर्ड खराब हो गया, कीबोर्ड को रिप्लेस करवाना है। रिप्लेस कराने का प्रोसीजर क्या है पता है आपको? पहले आप एक टिकट रेज करोगे, आईटी टीम के पास जाएगा, आईटी के बंदा आएगा, कीबोर्ड को ठोक ठाक के देखेगा, चले गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर बोलेगा रिपेयर होने वाला है तो रिपेयर करके दे देगा, नहीं रिपेयर होने वाला है तो बोलेगा कि हार्डवेयर डैमेज रिप्लेसमेंट का फॉर्म भरिए। आप फॉर्म भरिएगा, फिर आपके एचओडी के पास जाएगा, उसको अप्रूव करेगा, बाकी पैसा तो उसी उसी के टीम से जाना है ना। उसके बाद जाएगा आईटी हेड के पास, आईटी हेड उसको अप्रूव करेगा, फिर एडमिन के पास जाएगा, एडमिन परचेज ऑर्डर बनवाएगा, फिर परचेज ऑर्डर जाएगा किसके पास, वेंडर के पास, वेंडर डिलीवर करेगा, फिर एडमिन के पास आएगा, एडमिन स्टोर में भेजेगा, स्टोर से आईटी, आईटी से फिर आपके पास। इन शॉर्ट में कहूँ तो 24 घंटे तो लगने लगने, अगर आपका कंपनी अच्छी हुई तो। नहीं, अगर कंपनी गया गुजरा डिपार्टमेंट है तो फिर तो 2-3 दिन ले लीजिए। तो काम कैसे करोगे? वर्चुअल कीबोर्ड, आपके पास एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, उसका यूज कर सकते हो। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या करता है कि आप माउस के जरिए पूरा काम कीबोर्ड से कर सकते हो।
मैंने इसका यूज किया था, मैं बहुत फंसा हुआ था एक जगह, मुझे एक मेल करना था और मेरा कीबोर्ड में एड सब का बटन काम कर रहे थे, एट द रेट का बटन काम नहीं कर रहा था, पता नहीं। अब इमेजिन कीजिए बिना एट द रेट से मेल होगा, मेल आईडी है बिना एट द रेट लगाया क्या मेल भेज सकते हो आप? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। और कंपनी की मेल आईडी थी, उसमें क्या था कि सारे कंपनी का आईडी थे और कंपनी के आईडी दिखते नहीं थे, सिर्फ नाम लिख दीजिए अपने आप पिक कर लेता था। नाम जैसे लिखा ना आप, नाम लिख के कंट्रोल के करते थे तो लिस्ट आ जाता था कि कौन कौन आए इस नाम के बंदे हैं डिपार्टमेंट के साथ, तो सिलेक्ट कीजिए उसके ईमेल आईडी आ जाता था, उसमें एट द रेट है भी नहीं, कॉपी करो। तो उस केस में मैंने इसका यूज किया था, वर्चुअल कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। एक होता कहाँ पे है, अगर आपके पास विंडोज 7 है तो आपको एसेसरीज के अंदर मिलेगा, एसेसरीज में इजी टू एक्सेस के अंदर आएगा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, नाम याद रखिएगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये एक्सपी से ऑनवर्ड सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में है, ठीक है? तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इसको हम बात करते हैं। दूसरा आता है कि आप एक्सेल पे तो अच्छी तरीके से मूवमेंट कर रहे हो, लेकिन अगर आप विंडो भी क्या कर सकते हैं ऐसे मूवमेंट, आपको फाइल रिनेम करना है, फाइल कॉपी करना है, फाइल डिलीट करना है, फाइल को मूव करना है कहीं पे, इसके लिए तो माउस यूज करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम हर एप्लीकेशन पे कीबोर्ड के जरिए ही काम करें, तो उस हर एप्लीकेशन का शॉर्टकट आपको उसके हेल्प से मिल जाएगा। जैसे विंडो का शॉर्टकट चाहिए आपको तो विंडो की के साथ F1 प्रेस कीजिए, आपके पास विंडो का सपोर्ट सेंटर आ जाएगा। इस पर सर्च कीजिए यहाँ पे लिमिट्स, LI, सॉरी माफ कीजिएगा, लिमिट्स नहीं करना ना, वो शॉर्टकट करना है, शॉर्टकट्स और एंटर मार। आगे आपका कीबोर्ड शॉर्टकट, तो आप अपने विंडो के कीबोर्ड शॉर्टकट को भी जान सकते हो। सारे शॉर्टकट्स आ गए, जो भी शॉर्टकट्स हैं इसको भी स्टडी कर लीजिए आप। तो आपको तीन चीजें स्टडी करने के लिए हो गई, एक तो शॉर्टकट, दूसरा लिमिट्स और तीसरा आपको विंडो का शॉर्टकट, ये भी जरूरत है, इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद बात आती है किसी फाइल के बारे में जानने के लिए, मुझे अगर इस फाइल के बारे में जानना है तो इसके नाम से प्रोजेक्ट आ रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट है किसका, क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मास्टर लिस्ट, ये मास्टर लिस्ट किसका है? मुझे पता है कि सत्येंद्र गुप्ते ने बनाया है, एक्सेल की फाइल है, 1 MB का है, बना कब था, 2/9/2014 को बनाया 6 बजे। इसके अलावा कुछ जानकारी, इसके अंदर डेटा क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं चल रहा है, चल रहा है? इसको ओपन करूंगा तब पता चलेगा, सेम ऐसा ही है। आप चाहो तो अपनी फाइल की प्रॉपर्टी भी मेंटेन कर सकते हो, जैसे कि राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहां पे आपके पास आता है डिटेल्स, डिटेल्स में आप फिल कर दो, मैंने यहां पे इसको अप्लाई कर दिया, है नो। अब जैसे मैं इस पे कर्सर लेके जाऊंगा, ठीक है, हो गया, लाइट कंटिन्यू चल रही है क्या? नीचे देखना, टाटा कट कंटिन्यू चल रही है या कौन सा ग्रीन है या ब्लू है? तो क्यों छोड़ दिया नेट, चल तो रहा है नेट, नेट डिस्कनेक्ट हो गया। जाएगी एमजीएम बाबा डिस्कनेक्ट हो रहा है। और ललिता जी माफ कीजिएगा, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए, तो अब मैं इस पे कर्सर लेके जाऊंगा तो मुझे पूरा दिखेगा।
सुजीत कुमार वीलुक एग्जाम्पल, मल्टी शीट वीलुकअप एंड वीलुकअप लिस्टिंग। तो मेरे इसके बारे में पता चल जा रहा है कि भैया वीलुकअप का एग्जाम्पल फाइल है, इसके अंदर में मल्टी शीट वीलुकअप एंड वीलुकअप लिस्टिंग के बारे में मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो इस तरह से आप बताए, आप ऑफिस में अपना जो टाइम होता है उस टाइम में से 15 से 20% टाइम फाइल ढूंढने में बिताते हो। अगर आपको फाइल का नाम पता है तो ठीक है, अगर नाम नहीं पता है अंदाजा लगाते हो, 5 फाइलों को टारगेट करते हो, 5 में से कोई एक हो सकता है, 5 फाइल को ओपन करके देखते हो आप। तो आप ओपन करके देखने की जरूरत नहीं है, आप कर्सर लेके जाइए, जाते ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फाइल के आप डाल सकते चलेगा ना? हाँ। उसके लिए राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए, डिटेल्स में आइए और यहां से फिल कर दीजिए। एक बार तो फिल करना पड़ेगा आपको। दूसरा, जब मैं ऑफिस बटन में आता हूं, न्यू पे क्लिक करता हूं, तो न्यू पे क्लिक करते आप लोग क्या करते, क्रिएट कर देते हो सीधे यहां पे। आप लोग कभी गौर किया है कि ऐसे होता क्या है? ये आपके बने बनाए ऑनलाइन टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आपको एक इनवाइस बनाना है, या फिर आपको ऑफिस में पता चल, आपको बोला गया कि आप एक इनवाइस बनाओ या फिर एक फॉर्मेट बना के दो, आपको आपने कभी देखा नहीं है फॉर्मेट, या आपको फॉर्मेट बनाने नहीं आता, या आपको पास टाइम नहीं है, यहां पे आपको बनाया बनाया मिल जाता है। जैसे कि मैं अगर मैं बात करूं कैलेंडर की, कैलेंडर में 2012 भी, इसलिए 2000 अपडेटेड नहीं है इसलिए 2012 आ रहा है, कोई भी ले सकते हो यहां से। मैंने इसको सिलेक्ट किया और डाउनलोड कर दिया। इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी, क्योंकि ये नेट से डाउनलोड होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन सर्विसेज है। तो ये बने बनाए फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे हमेशा, और इसका यूज कर सकते हो आप। देखिए अब इसमें मैं क्या करता हूं, जनवरी में आया और फिर यहां पे 2012 आ रहा है ना, इसको 13 14 कर दिया, 14 करते पूरा का पूरा हमारा 14 का बन गया। अब फरवरी महीना चल रहा है तो आपकी क्लास स्टार्ट हुई है ट्यूजडे, कौन से तारीख से, 11 तारीख से, 11 तारीख हाईलाइट हो गई यहां पे। इस तरह से अपना टाइम शेड्यूल मेंटेन कर सकते हो हर महीने का, और फॉर्मेट बनाने की जरूरत है ही नहीं, आपको बने बने फॉर्मेट मिल गया। ऐसी इसी तरीके के बहुत सारे टेम्पलेट्स फाइल आपके यहाँ पे अवेलेबल है जिसका यूज कर सकते हो, इनवाइस है, लेटर्स है, मेमो है, और नॉट एक्सेल, पावर पॉइंट के बहुत सारे प्रेजेंटेशन मिलेंगे, रिपोर्ट्स के सैंपल्स मिलेंगे। एटलीस्ट आप उसको नकल नहीं करना चाहते हो तो इससे आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा कि रिपोर्ट इस तरह के होते हैं। गूगल पे मथापची करने से अच्छा है कि यहाँ पे सब मिल रहा है आपको, बनाया बनाया फॉर्मेट मिल रहा है, डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए बस। तो ये टेम्पलेट होते हैं। बात आती है कि टेम्पलेट होते क्या है। बेसिकली टेम्पलेट क्या होता है कि आपके बना बनाया आपकी फाइल होती है। आप लोग रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करते हो, तो आपको रिपोर्ट बनाना होता है तो क्या करते हो रिपोर्ट के लिए, कल की फॉर्मेट को ओपन करते हो, सेव एज करते हो, नई फॉर्मेट पे अपना नया डाटा फिल करते हो, डेली आपका ही काम है। जब सेव एज करने के बाद जब डेटा प्रीवियस डेटा को डिलीट कर देते हो, नया डेटा डालते हो, उसी समय उसकी एक टेम्पलेट क्रिएट कर लो, सेव एज टेम्पलेट कर लो, जब भी आप ओपन करोगे आपको हमेशा न्यू मिलेगा। एग्जाम्पल बताता हूं कि मैंने एक सिंपल सा रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाता हूं, डेट मुझे ए फॉर्म हमेशा फिल डेली फिल करके मुझे, या फिर मंथली फिल करके मुझे दे भेजने पड़ते हैं। ठीक है, और डेली मैं इस पर क्या करता हूं, इसका काट छाट करता हूं डेली, इसका प्रीवियस डाटा को हटाता हूं डालता हूं। ठीक है, तो इसको मैं उठाऊंगा और सीधे सेव एज कर दूंगा, किसमें, डेस्कटॉप के अंदर, कोई भी आप डालेज में कर दिया आरएपी के नाम से, और यहां पे जो माइक्रो नेवर वर्कबुक था यहां पे मैं एक्सेल टेम्पलेट सिलेक्ट कर लूंगा एंड से, अब क्लिक करूंगा, अब यहां पे आरएपी नाम का फाइल मिल गया मुझे। डबल क्लिक करते हैं आप ओपन करोगे तो हमेशा यहाँ पे RAP1, जैसे बुक 1 हमेशा मिलता है ऐसे आपको यहाँ पे RAP1 मिलेगा, दोबारा क्लिक करो RAP2 मिलेगा, और जब भी आप इसको सेव करोगे तो सेव नहीं सेव एज होगा, हमेशा सेव एज ही होगा।
मतलब कि जो आपने RAP1 बनाया था हमेशा आपको ब्लैंक ही मिलेगा, आपको ये नहीं होगा, एडिट नहीं होगा इसमें। जिससे फायदा क्या होगा आपका कि आपके पास हमेशा ब्लैंक फॉर्मेट मिलते जाएंगे, तो अपने सारी रिपोर्ट की ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखो। दो फायदे होंगे, एक तो पता चलेगा कि मैं मुझे एक सारी रिपोर्ट डेली बनाने हैं, दूसरा फायदा क्या होगा, बार बार डिलीट नहीं करना पड़ेगा। अगर कभी आप छुट्टी पर जाते हो तो बंदे को बोल देना कि भैया देख सारे रिपोर्ट के फॉर्मेट्स फलाने फोल्डर में बने हैं, बस बना दिए, बना देगा। इसे यूज कर सकते हो आप। दूसरा, आप एक फाइल फाइल को मेंटेन कैसे करते हो आप लोग? आपके सिस्टम में कितने फाइल होंगे? मेरे हिसाब से आप लोग के सिस्टम में 1000 से ऊपर फाइल होंगे। और आपसे पूछ दिया गया है कि 6 महीने पहले एक फलाना रिपोर्ट बनाया था, वो निकालो, कितना टाइम लगेगा आपको? टाइम लगेगा ढूंढने में, हो सकता है गलत भी हो जाए। तो क्यों ना आप एक फाइल लोकेशन सिस्टम तैयार करो, मतलब एक डेटाबेस, एक सिस्टम, एक क्या बोलते हैं, एक्सेल सीट मेंटेन करो। जब भी डेली फाइल बनाओ, डेट डालो कि मैंने इस डेट में फाइल नेम इस नाम का, डेटा इस डेटा पे, टाइप इस टाइप का। थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन बहुत फायदेमंद होगा। फोर फलाने के लिए बनाया है, और हम सेव कहाँ किए हैं उसका पाथ, या फिर हाइपरलिंक क्रिएट कर लो। तो अगर आपको कोई ढूंढना पड़ा तो कंट्रोल एफ मारोगे, ढूंढ लोगे। दूसरा चीज, अगर आपकी सिस्टम की फाइल सबको लोग शेयर करते हैं तो उसको उठा इसको उठा के सेव ड्राइव में रख दो। बॉस ने पूछा कि यार फलाना फाइल देना मुझे, सर सिस्टम ऑन कर लो, ये फाइल ओपन कर लो, उसे निकाल लो वहां से, क्लिक करके ओपन कर लो, समझ गए? तो आपको देने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ढूंढ लेगा। दूसरा, आप छुट्टी पे गए तो जो बंदा आपका काम करेगा उसको सहूलियत होगी पुराने फाइल और डेटा फाइल ढूंढने में। अगर आप जॉब छोड़ोगे तो आपको हैंडओवर देने में फायदा होगा। अगर परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनती है तो आपकी परफॉर्मेंस के समय सही फॉर्म में परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी, भाई देखो सारे काम मैंने किए हैं, सारे फाइल मैंने क्रिएट किए हैं डेली बेसिस पे, एक डेटाबेस बना रहेगा आपके पास। तो इस तरह का लोकेशन सिस्टम तैयार करो अपने ऑफिस में। अगर आप कहीं काम करते हो तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करो, हर चीज को सही तरीके से मेंटेन करो, उससे लर्निंग भी मिलेगी, काम करने भी मजा आएगा, और काम भी सही तरीके से होगा। तो ऑफिस में कल जाएगा, सबसे पहला काम क्या होगा, फाइल को अपने सिस्टम, पहले आप सर जितने भी आपके फॉर्मेट है जिस पर रिपोर्ट बनाते हो सबका टेम्पलेट बनाओगे, और उसके बाद जितने भी फाइल्स हैं उस अब जो पुराने फाइल बन चुके हैं उसका एंट्री तो मुश्किल करना है। तो एक काम करोगे, डेली टारगेट करोगे 20 फाइलों की एंट्री करनी है मुझे। उससे एक फायदा होगा, जो पुराने फाइल हैं, जो बेकार फाइल हैं, फालतू के फाइल हैं, वो साफ हो जाएगी, और जो अब से जो फाइल बनाओगे उसकी एंट्री करते जाओ रेगुलर, प्रीवियस की आप डेट डालते जाओ, एंट्री करते चले जाओ, फाइल्स देखो कि ये सारे फाइल है डाल दो। तो आपका फाइल भी सही तरीके से अरेंज हो जाएगा, सिस्टम भी क्लीन हो जाएगी, फालतू फाइल भी डिलीट हो जाएंगे, और फाइल का डेटाबेस भी बन के आ जाएगा आपके पास, और नया जो डेटाबेस आ रहा है वो तो बनाते जाओ। एक ही दिन में पूरा मत बनाओ, एक दिन में 50, 60, 100 जो टाइम मिलता है उस टाइम से उसकी एंट्री करो। दूसरा, एक्सेल सीख रहे हो तो कम से कम आपको एक्सेल पे 5 घंटे, 4 से 5 घंटे आपको देना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ इसको सीखने के बाद भी अगर आप 4-5 घंटे की प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर आपको एक्सेल उस लेवल को समझ में आएगी, उस लेवल को आप सीख पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेल के लिए। एक्सेल जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, याद रखना, उसी के तरीके से सीखना है। और सबसे पहले होता है एक्सेल में फैमिलियर होना, मतलब कि कौन सा ऑप्शन कहाँ है ये आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आपको खुद बखुद पता हो। आपसे किसी ने पूछ दिया कि पाइवट लगाओ तो आप पाइवट ढूंढ रहे हो, पाइवट लगाने तो आपको आता है, आपने पढ़ा है पाइवट कैसे करता है, लेकिन पाइवट है कहाँ पे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर आप भूल गए हो, या फिर दिमाग से उतर गया। क्यों? क्योंकि आप एक्सेल में फैमिलियर नहीं हो, एक्सेल पे ज्यादा काम नहीं करते हो, काम करते हो तो अपने काम लाइक काम करते हो। जो ऑप्शन दिए गए उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, क्या टाइम लगता है। अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो आप एक काम क्या करोगे, यहां से लोगोगे, यहां से देखोगे बस पेस्ट क्या होता है, ये सब आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, जो नहीं आता चाहिए नहीं आता, ये होता क्या है, नजर मारते चले जाओ।
कि ये सब आता, अच्छा ये आता ये आता ये आता, अच्छा ये नहीं आता है, क्या नहीं आता, तो फलाना नहीं आता, उसके भी दिक्कत करने की कोशिश करो, अगर लगा कि नहीं हो रहा है तो उसको नोट कर लो, क्लास में आके पूछ लो कि सर पिछले क्लास में चीजें भूल गई है, ये क्या होता है इसके बारे में बता दीजिए, जिससे आपका अपडेट रहेगा हमेशा। और सबसे पहले ऑप्शन के बारे में फैमिलियर होना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे पहले कहीं पकड़ेगा आपसे कि अगर आपको फलाना कोई चीज लगाने के लिए बोला, अगर फिल्टर लगाने के लिए बोला, अगर आपने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, समझ में आएगा आपको फिल्टर के बारे में जरा पता नहीं, क्योंकि फिल्टर तो हमेशा होम में होता है, नहीं तो डेटा में होता है। तो एक आपको ऑप्शंस की फैमिलियर होना बहुत जरूरत है, इससे पता चलता है कि आपके एक्सेल के बारे में नॉलेज है, ठीक है। ये आपकी शॉर्टकट हैंडलिंग की आज क्लास थी।